महंगाई का एक और झटका, लगने को तैयार। यकम अगस्त से आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 15 पैसे और मट्टी का तेल 5 रुपए 38 पैसे फी लीटर महंगा किए जाने का इम्कान। समरी वजारत खजाना और वजारत तवानाई को अरसा। पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं ना, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पहले टैक्सेस की भरमार थी, वो महंगाई बढ़ गई, अब इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया है। कैंसर के मरीजों के साथ पंजाब हुकूमत का सोतेलों जैसा सलूक। पंजाब हुकूमत ने ब्लड कैंसर के इलाज के लिए फंड बंद कर दिए। 125 करोड़ के बकायाजात वाजिब अदा। नए मरीजों के रजिस्ट्रेशन का अमल भी बंद। 5,000 से ज्यादा मरीज कैंसर के मुफ्त इलाज से महरूम। एमएस निस्तर करप्शन मुकदमात में जमानतें कराने में मसरूफ। मुल्तान निस्तर अस्पताल में अद्वियात नापैद। सर्जिकल आलात मयसर नहीं, 4 में से 2 ऑपरेशन थिएटर गैर फाल। लेबर रूम भी अल्लाह के हवाले। पीठ सर्जरी में भी सहूलियात की अदम दस्तियाबी। लवाहिकीन खुद सामान लाने पर मजबूर। मुझे रिजहत हनीफ खान पतापी की जल्द मसाइल पर काबू पाने की यकीन दहानी। गरीब इलाज के लिए जाए तो जाए कहाँ। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में हेपेटाइटिस के टेस्टों के लिए मरीजों के प्राइवेट लैब जितने पैसे लिए जाने लगे। उधर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सानीवाल में हेपेटाइटिस के टेस्ट और इलाज की सहूलत की बंद। मरीजों को सिर्फ तारीखों पर तसल्लियां दी जाने लगी। हेपेटाइटिस के महंगे टेस्टों के बाद आवाम परेशान। टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान में बिजली का निजाम चलेगा सोलर सिस्टम पर। एमओयू साइन। सेक्रेटरी एनर्जी पंजाब आमिर जान और एमएस शाहिद सलीम ने मुआहदे पर दस्तखत किए। 5 करोड़ से पहले फेज में 400 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करके 4 लाख यूनिट पैदा किए जाएंगे। मुल्तान तरक्याती कामों की बात दौड़ में एक कदम और आगे। शहर में 82 करोड़ की 74 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर फटक की जेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। तमाम महकमों को टेंडर जारी करने की हिदायत। न सड़कों पर सिरी फायर जलाएं, न ड्रोन का खुलेआम इस्तेमाल करें और न शीशा कैफे जाएं। महकमे दाखिला इन एक्शन। ईद उल अजहा पर सड़कों पर सिरी फायर जलाने वालों पर दफा 144 नाफिज। ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी में 3 माह की तौसी का फैसला। शीशा कैफे पर भी दफा 144 नाफिज कर दी गई। फौजदारी का फैसला 90 और दीवानी मुकदमात का फैसला 180 दिन में होगा। मुकदमात एडीआर सेंटर में हल करवाने की तजवीज। पंजाब हुकूमत का मुतबादल निजाम लाने के लिए कानून साजी का फैसला। एडीआर पर्सनल परिकैन की बाहमी रजाबंदी के तहत लगाया जाएगा। सड़कें छोटी, रश ज्यादा। मुल्तान में तजावजात ही तजावजात। आए रोज ऑपरेशन लेकिन हालात जूं के तूं। जिला इंतजामिया की तजावजात के खात्मे के लिए ताजरों को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। मियांवाली यारुखेल में दरिया सिंध का पानी आबादी के करीब पहुंच गया। मकीन फौज में मुब्तला मकीनों का इंतजामिया पर दरख्वास्तों के बावजूद सभी बाब न करवाने का इल्जाम। माले मुफ्त जिले बेरहम। म्यूनिसिपल कमेटी मुजफ्फरगढ़ वेयर हाउस कबाड़ खाने में तब्दील। करोड़ों मालियत के 10 से ज्यादा ट्रैक्टर और हैवी मशीनरी पड़े पड़े नाकारा। साबिक चेयरमैन के दौर में खरीदे गए 5 नए ट्रैक्टर्स भी गायब हो गए। शहर भर में सफाई की बदतरीन सूरत हाल। चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर 2 माह की छुट्टियों पर। कभी हादसा कभी ट्रेनें डी ट्रैक। कोसी के करीब मालगाड़ी ट्रैक से उतर गई। मुल्तान बहावलपुर रही व्यासा में ट्रेनें 10 से 12 घंटे ताखीर कर सका। कराची और लाहौर की तमाम एक्सप्रेस ट्रेनें घंटों ले। मुसाफिर शदीद गर्मी में स्टेशन पर इंतजाम करने पर मजबूर। आए बैठे हैं, अभी तक ना कोई गाड़ी आई है, एक ही गाड़ी आई है सारी रात की। अब मिल्लत पे जाना था हमने, मिल्लत जो अभी तक नहीं आई। कोई कहता 2 बजे आएगी, कोई कहता 12 बजे आएगी। जिला के चहरी डेरा गाजी खान में सहूलियात का फुकदान। जगह की कमी, सिक्योरिटी और पानी के मसाइल का सामना। पार्किंग के अलावा दीगर मसाइल भी परेशानी का सबब। वकला और सालीन का मसाइल के हल का मुतालबा।
याद करें, मौसम में तब्दीली के बाद मुल्तान में गैस्ट्रो की वबा तेजी से फैलने लगी। मुल्तान के अस्पतालों में 700 से ज्यादा शहरी रिपोर्ट हुए, बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर। विहाड़ी 75WB में कोंगो वायरस फैलने का खदशा। जानवरों से चीचर की सफाई के बायस जानवर पाल अफराद बीमारियों में मुब्तला। महकमा लाइफ स्टॉक खामोश, मुतासरीन का आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा। बेनामी जायदादों के कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए महकमा बोर्ड ऑफ रेवन्यू मुतहरिक। पंजाब हर के असिस्टेंट कमिश्नर से हफ्तावार रिपोर्ट तलब। महकमा वाइल्ड लाइफ बहावलपुर की शिकारियों के खिलाफ कार्रवाइयां। गैर कानूनी शिकार करने वालों को 2.5 लाख से जायद के जुर्माने और चालान। गैर कानूनी कॉलोनी बनाकर शहरियों से अरबों का फ्रॉड। एमपी अली एसोसिएट के शाहिद जमा के बेटे मोहसिन जमान और मैनेजर इकबाल जावेद की अबूरी जमानत के मंजूर। अदालत का नैब से 25 अगस्त को जवाब तलब। कौमसा शरीफ वार्ड 7 और 8 में पानी का बहरा। सप्लाई 7 रोज से मुअत्तल होने पर कलमा चौक पर एहतजाज। म्युनिसिपल कमेटी अमले पर बोर चीक न करने का इल्जाम। चिश्तिया में मासूम इमाम फातिमा का अगवा के बाद कत्ल। 8 साला इमाम फातिमा की लाश नहर मुराद से मिल गई, जिस पर तशद्दुद के निशानात मौजूद। वालिदा की मुदय्यत ने मुकदमा दर्ज। मुल्तान में नए शादीशुदा मसीही जोड़े को परेशानी का सामना। लड़की के अहले खाना की जानिब से हिरासत करने पर जोड़ा तहफ्फुज के लिए अदालत पहुंच गया। लड़की कोमल कहती है कि वो शौहर के साथ रहना चाहती है, उन्हें तहफ्फुज फराहम किया जाए। कोट अड्डू म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन हो जाए होशियार। मुलाजमीन की लड़की की अब बायोमेट्रिक हाजिरी। चेक को मजीद खूबसूरत बनाने, मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मुतहरिक। ईद और जश्न आजादी पर सफाई में कोई कसर न रहे। चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी रहीम यार खान के मुतालिक हुकाम को अहकाम। अफसरान और अहलकारों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दाग की डेरा गाज़ी खान के सहाफियों से मुलाकात। प्रेस क्लब की तामीर और सहाफी कॉलोनी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। महकमा हेल्थ बहावलपुर आखिरी नंबर पर। डिप्टी कमिश्नर शोजिब सईद की अफवाह। कहा पंजाब भर में बहावलपुर की कारकर्दगी इंतहाई मायूसकुन है। कारकर्दगी बेहतर न हुई तो महकमा कंपनी के हवाले करने की सिफारिश की जाएगी। रहीम यार खान ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का रस्मी आजादी के हवाले से खेलों के मुकाबले करवाने का फैसला। जिला में 1 अगस्त से 21 अगस्त तक खिलाड़ियों के माबैन 16 खेलों के मुकाबले होंगे। बहावलपुरी लड़कियां किसी से पीछे नहीं। वॉलीबॉल में कौमी सतह पर नुमाइंदगी करने के लिए पहला लेडीज वॉलीबॉल क्लब कायम। खिलाड़ी रोजाना प्रैक्टिस करके अपनी सलाहियतों को मजीद निखारते हैं। निश्चर अस्पताल मुल्तान के अद्वियात को उद्घाट करने का मामला। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने एमएस निश्चर अस्पताल डॉक्टर आशिक मालिक और दीगर मुलजमान की अबूरी जमानतों में तौसी कर दी। समाप्त 20 अगस्त तक मुलतवी। और मुल्तान में सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मुमिन आगा ने एमएस निश्चर अस्पताल डॉक्टर आशिक मलिक की मौसली के अहकाम बहाल कर दिए। एमएस को फौरी महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर रिपोर्ट करने के अहकाम।